उम्मीद है कि कल टीम इंडिया रोर मचाएगी, अच्छा खेलेगी और इंग्लैंड को वापस 3 गुना लगान वापसी कराएगी। गब्बर का फैन हूँ और जो भी लुक रखते हैं जिसे रखते हैं मैं वैसे उनको फॉलो करता हूँ। कोहली के आगे कोई नहीं हो सकता है, एक किंग एक ही रहता है। 2019 रो बदला सरी 2021 रो बदला बाकी अच्छी। आम कहू भारत बनाम इंग्लैंड कथा आपड़ जानते 2019 मसीहा विश्वकप जोटा कि इंग्लैंड रे खेला जाउतला तार सेमीफाइनल मैच रे न्यूजीलैंड हराइतिला भारत को एवं परवर्ती समय रे आमे देखिथिले 2021 रे मध्ये समान दशा टीम इंडिया भलो प्रदर्शन करूतला मात्र सेमीफाइनल ले इंग्लैंड थारु परास्त होई कि कहय गले टूर्नामेंट रु विदाय नउतला। आसंता काली लखनऊ रो एकन्ना स्टेडियम रे चलित वर्ष विश्वकप रे भारत इंग्लैंड मुकाबला होउछि। मु कैमरा पर्सन को अनुरोध करबि सीधा सडक दृश्य देखेबे। गत काली थारु मैच अछि मात्र आजि थारु कहबा गले स्टेडियम सम्मुखरे धीरे धीरे लोकंक समागम हेलेनी। कारण जोभली भाबे टीम इंडिया पई जोभली भाबे पूर्वरु अधिनायक रोहित शर्मांक कथा कहबा किंबा राहुल द्राविड़ कथा कहबा समस्त गोटे कथा कहिसंती जे प्रत्येकटी मैच गुरुत्वपूर्ण। तेबे टीम इंडिया पई ए मैच टी केते गुरुत्वपूर्ण से विषय रे आमे आलोचना करबा। हम सहित किजन फैन जोडी हिचंती भैया क्या कहेंगे, कहां से आए हो, कितना इंपोर्टेंट मैच इंग्लैंड के अगेंस्ट टीम इंडिया का? बिल्कुल इम्पोर्टेंट मैच है और जैसे टीम इंडिया अच्छा परफॉर्मेंस करते आई है और न्यूजीलैंड को हरा के आई है, 20 साल बाद वर्ल्ड कप में हराया और यहाँ पे इंग्लैंड को भी क्योंकि T20 वर्ल्ड कप की हार का बदला लेना है सेमीफाइनल का और इसका हो गया 21 का बाकी है, 21 का बाकी है और डेफिनेटली जो टीम का मनोबल है वो अच्छा है और टीम इंडिया ऐसे ही कंटिन्यू लगातार जब तक फाइनल ना जीते ऐसी परफॉर्मेंस करती रहे और इंग्लैंड को जरूर ध्वस्त करके कल का मैच जीते। क्या कहेंगे, फिलहाल हर मैच में टीम इंडिया चेज किया है, टीम इंडिया को एक बार पहले बैटिंग करना चाहिए क्योंकि ज़्यादा टोटल कर पाएगा। बिल्कुल, जैसे पिच को देखा जाए पिच का क्या है, पिच थोड़ा टर्निंग पॉइंट रहता है यहाँ लखनऊ का और जैसे 3 स्पिनर सुनने में आ रहा है, 3 स्पिनर अगर खेल सकते हैं और क्योंकि पहली इनिंग में अगर पहली बैटिंग करके अच्छा स्कोर टीम इंडिया 300+ स्कोर बनाती है तो दूसरी टीम पर सेकेंड इनिंग में प्रेशर रहेगा। लेकिन देखा जाए तो ड्यू फैक्टर का भी मनोबल रहेगा क्योंकि शाम के टाइम ड्यू का रहता है तो हर एक कप्तान चाहेगा मैं टॉस जीत के पहले बॉलिंग का फैसला लूँ, तो जो भी रहेगा कप्तान के ऊपर रहेगा। लेकिन टीम इंडिया कल अच्छा परफॉर्म कर रही है, जैसा स्टार्ट रोहित शर्मा और शुभमन गिल देते आए हैं वैसा स्टार्ट टीम इंडिया रहे और विराट कोहली जो तीसरे नंबर पर उतरते हैं, शतकीय पारी लास्ट मिस हो गई थी, यहाँ पे शतकीय पारी खोल के सचिन पाजी का रिकॉर्ड की बराबरी करी जाए। ठीक है पाजी, वी आर मिसिंग यू। अब पूरा भारत मिस कर रहा है, मैं तो अपने गर्ल्ड कप्बर को इस वर्ल्ड कप में बहुत मिस कर रहा हूँ जो कि जिसका कोई अंदाज़ा नहीं है। बट टीम इंडिया अच्छी खेल रही है और 2011 में हम लोग वर्ल्ड कप जीते थे अपने भारत में और फिर दोबारा अपने भारत में 2023 का वर्ल्ड कप भी अपने नाम करेगी टीम इंडिया। आपका नाम बोलिए, कहाँ से आए हो, ये वाला लुक के लिए भी थोड़ा बताना चाहिए क्यों ऐसा लुक किया है आप? मेरा नाम है राम बहादुर यादव, मैं बलिया से हूँ और उत्तर प्रदेश मेरा स्टेट है, लखनऊ में रहता हूँ मैं और मैं गब्बर का फैन हूँ और जो भी लुक रखते हैं जिसे रखते हैं मैं वैसे उनको फॉलो करता हूँ, हर एक चीज़ को फॉलो करता हूँ उनका और कोशिश करता हूँ कि जितना अपने से बेहतर हो अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश भी करता हूँ। भैया अगर देखेंगे तो हर ICC इवेंट में शिखर धवन का बल्ला बोलता है, इस बार ICC इवेंट में शिखर धवन टीम में नहीं है, क्या कोई थोड़ा दुख लगता होगा आपको क्योंकि आप शिखर धवन का फैन है? बिल्कुल जी, दुख की तो बात है ही जी, अब फॉर्म में चल रहे थे, फॉर्म में हैं अभी भी, IPL में आपने देखा होगा अच्छी फॉर्म में थे और बहुत सारे मैचों में कैप्टन भी बने थे तो सीरीज भी जीते थे भारत के लिए और पूरा भारत उनको मिस करता है। मैं तो एक छोटा सा फ़ैन उनका, बाकी और भी फैंस उनके हैं जो कि मिस करते हैं, तो बेसिकली सी बात है पूरा भारत उनको मिस कर रहा है, हर तरीके से उनको मिस कर रहा है। कल का मैच के बारे में क्या कहेंगे? कल भारत अपना 6th मैच जीतेगी और 12 अंक पा के फर्स्ट पे आ जाएगी और अगर भारत टॉस जीता है तो बॉलिंग करेगा और अगर टॉस जीतता है तो बॉलिंग करेगा फिर बैटिंग करके इंग्लैंड को हरा के अपना 12 अंक पा के और 6th मैच जीतेगा अपना। भैया आपका बैच में तूफान लिखा हुआ है, क्या कल टीम इंडिया तूफान मचाएगा लखनऊ में? बिल्कुल उम्मीद है कि जिस तरह लगातार 5 मैच इंडिया जीती है उस तरह 6th मैच में भी जीतेगी और हम यहाँ स्पेशली पटना से आए हैं विराट भैया का सेंचुरी देखने की, 49 सेंचुरी देखने को मिले और उम्मीद है कि कल टीम इंडिया रोर मचाएगी, अच्छा खेलेगी और इंग्लैंड को वापस 3 गुना लगान वापसी कराएगी।
फिर से कल 2003 में हम लोग लगान देखे थे, फिर से कल लगान यहाँ पे भी देखने मिलेगा। हाँ, बेहतर उम्मीद है हम लोग का। हमारा टीम बहुत ही बेहतर खेल रहा है हर डिपार्टमेंट में, बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग। स्पेशली इस बार तो फील्डिंग का जो क्रेज चल रहा है वो आप देख ही रहे हैं, तो और मैच में मिल हर मैच में मिल रहा है, तो हर प्लेयर सारे जोश में है कि बॉल रन ना छोड़े, मतलब जो भी बेहतर फील्डिंग करे। और टीम इंडिया बेटर कर रही है, और वेस्ट विशेष रहेगा टीम इंडिया को कि लगातार मैच जीते, और अपने अपने इंडिया में है तो इस बार वर्ल्ड कप तो जीतना बनता है, इसलिए कम ऑन टीम इंडिया, लेट्स डू। घर में हो रहा है, जाने नहीं देंगे। हाँ, घर में हो रहा है, जाने नहीं देंगे, अपना अपना कप हमारा ही है। भैया क्या कहेंगे, टीम इंडिया को थोड़ा लेफ्ट आर्म सिमर का खतरा है, इंग्लैंड के पास डेविड विले है, सैम करन भी है, हमारे टीम में भी आर अश्विन जैसे स्पिनर हैं, और भी काफी स्पिनर हैं हमारे टीम में। इस समय विराट कोहली का इतना अच्छा फॉर्म चल रहा है कि टीम इंडिया कल इंग्लैंड को हराएगी। इंडिया इंडिया, कोई खतरा नहीं है उनके पास, बहुत अच्छा ऑलराउंडर से है, बैटिंग लाइन भी बहुत स्ट्रांग है, हमारी पूरी टीम एकजुट होके अच्छा प्रदर्शन कर रही है, बॉलिंग कर रही है, बैटिंग कर रही है, फील्डिंग कर रही है, इसलिए कल हम इंग्लैंड को धूल चटाएंगे और वर्ल्ड कप जीतेंगे। भैया क्या कहेंगे, कहाँ से आए हो? लखनऊ से ही हैं भैया। हाँ, लखनऊ से हैं। हाँ, कल यहाँ लखनऊ का जो कप्तान जो आईपीएल में केएल राहुल, शोर मचाएगा, बैटिंग ही नहीं आएगी वहाँ तक। क्यों? पहले ही कोहली खत्म कर देगा, कोहली पहले ही खत्म कर 5 रन से शतक मिस हो गया था पिछले मैच, इस बार हो जाएगा, तेंदुलकर से बराबर हो जाएगा। शतक के लिए नहीं खेलते है ना भैया, शतक के लिए नहीं खेलता है कोहली, टीम के लिए खेलता है। जी जी जी। अच्छा, रोहित शर्मा का फॉर्म के बारे में क्या कहेंगे? सब बोलते हैं रो का फॉर्म टीम इंडिया के हित के लिए है। रोहित का फॉर्म देखा जाए तो टीम को शुरुआत दे रहा है, और उसी कैप्टन की वजह से हम अपने जीत रहे हैं। अगर वो शुरुआत नहीं देगा तो ऊपर से नीचे प्रेशर बनेगा टीम पे। और रोहित शर्मा जो कर रहा है इस समय टीम के लिए बहुत बड़ी चीज़ है, इतना खुल के खेलना रोहित के लिए भी अच्छा है और टीम के लिए भी अच्छा है। जितना रोहित शर्मा ऊपर से मेंटेन रखेगा स्ट्राइक रेट और पावर प्ले में रन बनाएगा, उतना ही टीम के लिए अच्छा होगा। भैया क्या कहेंगे, बैटिंग के बारे में सारे लोग बोल रहे हैं, लेकिन हमारा बॉलर भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बुमराह के बारे में बोलेंगे, कुलदीप यादव के बारे में बोलेंगे, सारे अच्छा परफॉर्म किया है। कुलदीप तो इधर का लोकल लड़का है जी, कुलदीप यहाँ का ही है। हम तो बुमराह का फैन, बुमराह के फैन है। ऐसा तो बैटिंग में रोहित शर्मा का फैन है, बिग फैन है, लेकिन बॉलिंग बुमराह। आईपीएल में मुंबई इंडियंस का, आईपीएल में मुंबई इंडियंस, बुमराह विकेट लेगा कल सबसे ज्यादा। कल कुलदीप यादव की स्पिन का जादू चलेगा। और क्यों, इधर का लड़का है इसीलिए बोल रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल, टीम इंडिया हमेशा से परफॉर्म अच्छा कर रही है वर्ल्ड कप में, और कल फिर से कुलदीप यादव का अच्छा स्पिन चलेगा और टीम इंडिया कल जीतेगी। उत्तर प्रदेश का लड़का है इसीलिए बोल रहे हो कि वो अच्छा खेलेगा, क्योंकि रविंद्र जाडेजा भी है, अगर स्पिन फ्रेंडली पिच होगा तो आर अश्विन आना भी खेलेगा। नहीं नहीं, दोनों तीनों अच्छा खेलेंगे, रविंद्र जाडेजा का भी अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा, आर अश्विन का भी रहेगा, और कुलदीप यादव का, सबका एक साथ में अच्छा सपोर्ट रहेगा, और पूरी टीम इंडिया के सपोर्ट से टीम जीतेगी, पूरे टीम के सपोर्ट से, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग और स्पिन की सबकी वजह से टीम इंडिया जीतेगी। इंग्लैंड का कोई खतरा नहीं है? नहीं, इंग्लैंड तो ऐसे हारते हुए अब बाहर होने के कगार पे पड़ी हुई है, कल एक मैच और हारेगी इंग्लैंड की टीम और वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएगी, बाहर हो जाएगी। अब पिछली बार इंडिया 5 मैच जीता था लेकिन इंग्लैंड से हार गया था लीग में, इसलिए मतलब ये बार हो पाएगा? हाँ, जीतेगी इंडिया, जीतेगी इंडिया। क्यों जीतेगे भैया, क्यों जीतेगे? हमारा हमारे प्लेयर रिदम में है, एकदम बढ़िया परफॉर्मेंस कर रहे हैं हमारे सारे प्लेयर। भैया बैटिंग के बारे में तो हर लोग बोलते हैं, बॉलिंग के बारे में क्या कहेंगे? बॉलर्स भी अच्छा कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, बॉलर भी बहुत हमारे अच्छा हो गए हैं, सबसे बेस्ट बॉलर बॉलिंग भी 47 विकेट ले लिए हैं, 5 मैच में 47 विकेट लिए हैं लोग। 19 का बदला हो गया, 21 का बाकी है, कल पूरा हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, तीन गुना लगान के साथ। 2003 में हम लोग लगान दिखे थे, कल भी लखनऊ में देखेंगे, तीन गुना लगान के साथ वसूल किया जाएगा। भैया क्या कहेंगे, कौन अच्छा खेलेगा कल? हमारा तो फेवरेट है भाई रोहित शर्मा, रोहितमैन शर्मा हमारा बेस्ट कैप्टन भी है, 6 हीटर भी है, उसका पुल शॉट जो है बहुत अच्छा पुल शॉट खेलता है। रोहित है, मामला फिट है जी, बिल्कुल, कोई जहाँ रोहित शर्मा खड़ा हो जाता है वहाँ तो मैटर बड़ा होता ही नहीं है, वहाँ मैटर बचता ही नहीं है। और पाकिस्तान लोग एक बात बोलते हैं, किंग कौन है, बड़ा डिबेट चल रहा है, इंडिया वाले बोलते हैं विराट किंग है, पाकिस्तान लोग बोलते हैं विराट किंग है, बिल्कुल इंडिया के लिए विराट किंग, इंडिया क्या वर्ल्ड के लिए विराट किंग है,
बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। हाँ। इंडिया के लिए विराट 100% दे रहा है, शुरू से दिया आज भी दे रहा है। हाँ। बिल्कुल आगे आ जाइए, आप शायद विराट कोहली का ज्यादा फैन लगते हैं। हर बात एक सोशल मीडिया में हम लोग देखते हैं, जहां मैटर बड़ा होता है वहां किंग खड़ा होता है। क्या कहेंगे विराट के बारे में, जब भी टीम इंडिया मतलब एक टॉप पोजीशन में है हर बार किंग कोहली खड़ा होता है। देखिए इस बार जिस तरह से वर्ल्ड कप में खेल रहे हैं कोहली, उस तरह से हम समझते हैं कि इंडिया जीतेगा वर्ल्ड कप और ऐसे ही फॉर्म को कंटिन्यू रखेंगे। जिस फॉर्म में कोहली हैं और रोहित हैं, उस फॉर्म में ऐसा लगता है कि ज़्यादा बैटिंग पे प्रेशर पड़ भी नहीं रहा है हमारी बॉलिंग की वजह से भी। जब बॉलिंग हमारा कंट्रीब्यूशन दे रहा है, बैटिंग का प्रेशर भी कम हो जा रहा है, और फिर अगर फंसता भी है तो कोहली और रोहित हैं हमारे पास। कल फिर से लगान दोबारा देखेंगे, उतना नहीं होगा मैच में, लगान बहुत फंसी थी पिक्चर में मैच, उतना मैच नहीं फंसेगा कल। इंडिया मतलब आसान से जीत जाएगा, इंडिया कल आसानी से जीत जाएगा, इंडिया पहले बैटिंग करेगा कल। अच्छा कितना, अगर इंडिया पहले बैटिंग करेगा, हम लोग मिस कर रहे हैं, और कंट्री 400 मतलब जोड़ दिया है, इंडिया बाकी है। नहीं 400 तो नहीं बनेगा लखनऊ की पिच पे, लखनऊ की पिच पे 400 तो नहीं बनेगा। कितना स्कोर उम्मीद करते हो? 320-330। तो जीत पाएगा? हाँ बस बहुत है उनके लिए, हमारे बॉलर्स बहुत अच्छा कर रहे हैं इस समय। भैया क्या कहेंगे, कुलदीप यादव इधर का लड़का है जी, बिल्कुल बहुत अच्छा खेल रहा है, जब से इंजुरी के बाद वापस आया है बहुत अच्छा बॉलिंग कर रहा है जी, बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है। और साथ ही साथ हमारे पास बुमराह है, जडेजा है, और साथ ही साथ बॉलिंग के साथ हमारे पास बैट्समैन भी बहुत अच्छे अच्छे हैं, हमारे पास ओपनर इतने अच्छे हैं, रोहित शर्मा है, और साथ ही साथ हमारे मिडिल बैट्समैन विराट कोहली हैं, जो किंग कोहली हैं, कोई भी उनको जे बीट नहीं कर सकता। लोग बाबर के साथ कंपेयर करते हैं, तो घोड़े की दौड़ में गधे को जो आदमी जोड़ लेता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, उन दोनों का कोई कंपैरिजन नहीं है, ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा फासला है। तो किंग कोहली के आगे कोई नहीं हो सकता है, एक किंग एक ही रहता है। और हीरा के साथ कोहिनूर का कंपैरिजन नहीं है, बिल्कुल नहीं है, हीरा एक अलग ही चमकता है और कोई कंपैरिजन नहीं, वो अलग ही चमकेगा, जैसे रोज चमकता आया है और इस बार भी चमकेगा, जैसे कोहली हर बार की तरह चमकते आया है। एक बहुत गैप हो गया था उसका, लेकिन उसके बाद से जब उठ रहा है वो। कल कोई तूफान आएगा? बिल्कुल तूफान आएगा, और कल अगर कोहली तूफान लेके आता है तो लखनऊ वाले बहुत खुश होंगे, और कल का मैच बहुत ही वर्थ रहेगा अगर कल कोहली स्कोर बनाता है 100 के ऊपर अपना। शर्मा नहीं खेलेगा? शर्मा भी खेलेगा, बट कोहली अगर सेंचुरी मारता है तो इंडिया वाले ज्यादा खुश होंगे और लखनऊ वाले भी बहुत ज्यादा खुश होंगे। ठीक है, थैंक यू जी, थैंक यू सर। मेरे जोड़ी भाव आम देखुले एकन्ना स्टाडियम सम्मुखु बहु संख्यार फैन मैंने पहुंची एवं टीम इंडिया को चेयरअप करने को पहुंचुंट। सबुठ बड़ गुरुत्वपूर्ण कथा होची आमे जो भाव देखीचे चलित वर्ष विश्वकप टीम इंडिया प्रदर्शन समस्ते आम आशा करूचे टीम इंडिया यही मैच भल प्रदर्शन करूँ, कारण बर्तमान सुधा टूर्णामेंट्रे टीम इंडिया अपराजय रही पांचटी मैच खेली पांचटी जाकर विजय हासिल कर समस्त आशा रखिंट कल भी विजय हासिल कर टीम इंडिया छटी मैच रु छटी विजय हासिल कर जमीक आम आलोचना करुचे 2019 विश्वकप्रे जो भारत सेमिफाइनाल पराजय बरण करता न्यूजीलैंड गत काली क्षमा करेंगे पूर्व मैच रे न्यूजीलैंड को हराई बदला नहीं सारी आशा करवा आसंता का जो मैच खेल इंग्लैंड को परास्त कर T20 विश्वकप जो सेमिफाइनाल पराजयर बदला नब। लखनऊ कैमेरा पर्सन गौतम सुशांत साहू रिपोर्ट अर्गस न्यूज। जदि आपणक आम भिडियोटी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।